और दूसरा जो विषय है वो है इंसो को भंग करने का, वो जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इंसो को भंग करने का अधिकार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के अधीन है, क्योंकि वो हमारे संवैधानिक तौर पर जो है ना फाउंडर भी हैं, और हमारा संविधान जो है इंसो का वो उनको इस बात की इजाज़त देता है। जब उनका कोई संदेश हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम इस पर आएंगे। इंसो हमारी पार्टी का एक अंग है, इस बात को आप सब जानते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास इस बात का इख्तियार है कि वो जिसको जिस संगठन को जिम्मेवारी देंगे या जिस भी संगठन में जिस किसी को नया पदाधिकारी बना करके जिम्मेवारी दी जाएगी वो ही बात रहेगी। कोई डिनाई करता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ चले, कोई 2-4-5 साल। हमारी पार्टी में 3 तारीख को मीटिंग हुई थी गुड़गांव के अंदर 3 अक्टूबर को, और उस मीटिंग के अंदर पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, चाहे वो हमारी स्टेट के थे, चाहे नेबर स्टेट के थे, पूरी राष्ट्रीय उसकी मीटिंग बुलाई गई थी। और उस मीटिंग के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इख्तियार दिया गया था कि आप संगठन में जैसा मर्जी चाहे बदलाव करें, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ये उन्होंने देखना है कि संगठन में मुझे किस आदमी को क्या जिम्मेदारी देनी है और किस व्यक्ति को संगठन के काम से मुक्त करना है। जो काम करने वाले अच्छे लोग थे, जिन्होंने मेहनत करी, उनको उन्होंने फिर से दोबारा तवज्जो दी, और जिन साथियों ने कोई कमी रख दी उन साथियों को एक बार विड्रा कर दिया कि भाई आप एक बार थोड़ा सा आपकी जगह किसी दूसरे साथी की ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। और इस इलेक्शन ईयर में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पार्टी का पदाधिकारी, विशेष रूप से जो पदाधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी है, अगर वो ठीक ढंग से कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता तो फिर मान के चलो इलेक्शन ईयर है, कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये बदलाव करने का काम किया। जो फैसला आया था उसके अंदर ये साफ कहा गया था कि जो स्टूडेंट और जो यूथ इनेलो ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इंसो ने पार्टी के जो विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल थी। दोनों हमारी जो इवेंट थी चौटाला साहब की मौजूदगी में, जहां उनकी हमने जिम्मेवारी तो ये लगा रखी थी कि आप लोगों की बैठने की व्यवस्था करोगे, आप हमारी जो माताएं बहनें जो लेडीज आती है उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, उनके पानी का, उनका और दूसरी चीज़ों का, शौचालय का, जो भी कोई इस तरह की दिक्कतें होती है उसके लिए ड्यूटियां लगाई थी कि आप बैठ करके आप वहाँ ये ड्यूटी निभाने का काम करोगे। हमारी पार्टी में हमेशा ये जिम्मेवारी युवा की, इंसो की तो अब की बार लगी, लेकिन उससे पहले हमेशा युवा की ही ये जिम्मेवारी रही थी, और युवा विंग ने हमेशा इस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाया था। अब की बार वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा सके, इसके लिए पार्टी की तरफ से चौटाला साहब ने, क्योंकि वो खुद मौजूद थे उस मंच पे, और उन्होंने जब देखा कि जिन बच्चों को हमने जिम्मेवारी दे रखी है वो ठीक से नहीं निभा रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसका नए सिरे से गठन करेंगे, उसको भंग कर दिया। कौन पार्टी, आप मुझे ये बताओ, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने संगठन में बदलाव नहीं करता? हर पार्टी जो है अपने संगठन में समय समय के अनुसार जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं उनको भी एडजस्ट किया जाता है, और कोई पुराने लोग अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते तो उनको उस पद से मुक्त किया जाता है। ये हमारी पार्टी का संगठन का जो मामला है वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तय करना है कि किसको कौन से पद पे रख करके काम लेना है। मेरी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तो तुम्हारे टेलीविजन के माध्यम से देखी है या अखबार में देखा है। इंसो हमारी पार्टी का एक अंग है, इस बात को आप सब जानते हो, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास इस बात का इख्तियार है कि वो जिस संगठन को जिम्मेवारी देंगे या जिस भी संगठन में जिस किसी को नया पदाधिकारी बना करके जिम्मेवारी दी जाएगी वो ही बात रहेगी। कोई डिनाई करता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात का पता है अच्छी तरह से कि जहां कहीं इंसो का कार्यक्रम होता है वहां पे लोकदल का झंडा होता है। आप बेवजह की बात क्यों पूछ रहे हो जिसका कोई तथ्य नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलो। किसान, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको चिंता करनी चाहिए प्रदेश के किसान की। आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या फेरबदल हो रहा है। क्यों चिंतित हो रहे हो आप? किस लिए आप चिंतित हो रहे हो? ये हमारे पार्टी के सुप्रीमो का काम है। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है सर, बहुत चिंता है। आपका जो कैंपेन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। इंशाल्लाह शायद आपकी सरकार नेक्स्ट टाइम बनेगी। बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत धन्यवाद। एक बात आप ये मानेंगे, आपके दुश्मन के साथ मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। ना मन भेद है ना मतभेद है। हमारी पार्टी में अनुशासन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा तो 100% पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो मानते हैं कि बिना उनके अध्यक्ष के या बिना उनकी लीडरशिप के ऐसी जिम्मेदारी जो आप कह रहे हैं कि नहीं निभाएगी। आप मुझे एक चीज बताओ, जब तक दुष्यंत को ये जिम्मेवारी नहीं थी उससे पहले भी तो हमारी यूथ विंग काम करती थी। अब दुष्यंत की कौन सी कोई उनको कोई पदाधिकारी बना रखा था? उसका उनके जुम्मे ये काम था कि आप यूथ को जो है पार्टी की नीतियों के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करो। और अब यूथ का जो प्रधान है, यूथ की विंग है, उसको डिजोल्व किया, दुष्यंत को थोड़ा ही किया किसी ने। आगे जो बनाएंगे फिर जिम्मेवारी दी जा सकती है। आप मत चिंता करो। आपका धन्यवाद। मुझे जाना है।